कर दे स्टार्ट। तो आज का ट्यूटोरियल वीडियो या फिर एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है आर्चूरिया के मिनी लैब मिडी MK2 के कीबोर्ड का। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो हेलो गाइस, दिस इज मी कुणाल गौरव फ्रॉम VSA रिकॉर्ड्स। और इस वीडियो को बनाने के पर्पज आपको स्टार्टिंग में पता चल ही गया होगा, हालांकि हमारे पास ऑलरेडी एक मिडी कीबोर्ड है जो कि हमारे स्टूडियो टेबल पर रखा रहता है, पर हम एक हल्के और एक पोर्टेबल मिडी कीबोर्ड की नीड थी। वो नीड क्या थी, करेंगे इसकी बात इस अनबॉक्सिंग के बाद, लेट्स गो। अनबॉक्सिंग हो चुकी है, करते हैं इसका एक क्विक इंट्रो और इसके बाद करते हैं बात हमने ये परचेज क्यों किया था और आपको ये परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेट्स गो। नंबर वन पे आपको मिल जाता है एक शिफ्ट बटन, नंबर टू पे आपको मिल जाता है इसके 16 नोब्स जहां पर आप इन पैड्स की वेलोसिटी को कम या ज़्यादा करने में इसका यूज़ करेंगे। नंबर तीन पे आपको मिल जाता है एक ऑक्टेव ट्रांसपोज बटन और नंबर चार पे आपको मिल जाता है पिच बैंड मॉड्यूलेशन टच स्ट्रिप और नंबर पाँच पे आपको मिल जाता है एक मल्टी कलर वेलोसिटी प्रेशर सेंसिटिव पैड और नंबर छः पे आपको मिल जाते 25 वेलोसिटी सेंसिटिव स्लिम कीज़ और नंबर सात पे आपको मिल जाता एक USB 2.0 का पोर्ट और नंबर आठ पे आपको मिल जाता एक फुट स्विच इनपुट जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। ये था इसका एक छोटा सा इंटरफेस या फिर एक इंट्रो कह सकते हैं। तो गाइस, इस मीडिया को परचेज़ करने का हमारा एक मोटिव था जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वो ये था कि इस पोर्टेबल मीडिया की हेल्प से हम अपने घर से या फिर स्टूडियो के बाहर कहीं से भी एक सॉन्ग का या फिर एक म्यूज़िक का आउटकम तैयार कर सकते हैं, जिससे हम अपने क्लाइंट के टाइम में डिले ना हो, इस तरह हेल्प कर सकें, और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आपको एक होम स्टूडियो क्रिएट करना है और आपके पास स्पेस की कमी है, तो आप इस मीडिया को परचेज कर सकते हैं और अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं कुणाल गौरव, बने रहें VSA रिकॉर्ड्स के साथ। साइनिंग आउट।